रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर कांग्रेस भवन पहुंचे पीसीसी चीफ दीपक बैज। बैठक से पहले बजरंग बली के उन्होंने दर्शन किए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया, हमारे साथ बजरंग बली और प्रभु श्री राम, भाजपा के पास बचा है सिर्फ मोदी जी का नाम। कर्नाटक में बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला, छत्तीसगढ़ में भी बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। तो दीपक बैज मंदिर में पहुंचे, बजरंग बली का उन्होंने दर्शन किया है और ये भी कहा कि बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस भवन पहुंचे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज। अब से थोड़ी देर में ही बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक से पहले उन्होंने भगवान बजरंग बली के दर्शन किए हैं। तो कर्नाटक में जिस तरह से जीत हासिल हुई उसे लेकर उन्होंने कहा कि कर्नाटक में प्रभु श्रीराम और बजरंग बली ने हमारा साथ दिया, भाजपा के पास तो बचा है सिर्फ मोदी का ही नाम। तो अब छत्तीसगढ़ में भी बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है, ये कहना है दीपक बैज का। पीसीसी चीफ दीपक बैज कांग्रेस भवन पहुंचे और अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। आपको बता दें, इस बैठक के पहले उन्होंने बजरंग बली के दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया है। तो तस्वीरें सामने आई हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ बजरंग बली है और अब बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ। यानी कर्नाटक में जिस तरह से जीत हुई, बजरंग बली का मुद्दा आपको भी याद होगा कि किस तरह से जोर शोर से उठाया था बीजेपी, कांग्रेस सियासत तेज रही बजरंग बली के मुद्दे पर और उसके बाद जीत हासिल होने के बाद कांग्रेस की, अब ये मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। गौरव, जिस तरह से बात करें, कर्नाटक को लेकर भारी उत्साहित है कांग्रेस और बजरंग बली का मुद्दा एक बार फिर से क्या छत्तीसगढ़ में भी छेड़ने की कोशिश, और यही वजह है कि दर्शन करने के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज पहुंचे। थोड़ी देर में ही बैठक कितने बजे शुरू होने वाली है? देखिए, बैठक अब से कुछ देर बाद ही शुरू होगी। बैठक में शामिल होने के पहले ही कांग्रेस भवन, जो ऐतिहासिक कांग्रेस भवन है, वहां पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे दीपक बैज और उन्होंने कहा कि हमारे साथ हनुमान जी हैं, बजरंग बली का आशीर्वाद जिस तरह से कर्नाटक में मिला था उसी तरह से छत्तीसगढ़ में मिलेगा और आने वाले चुनाव में बजरंग बली के आशीर्वाद से कांग्रेस जो है वो जीत दर्ज करेगी। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से राम और कृष्ण का मुद्दा भी और अब बजरंग बली का मुद्दा भी छाया हुआ, तो उस पर उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम भी हमारे साथ हैं, बजरंग बली भी हमारे साथ है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके पास सिर्फ मोदी जी का नाम है, तो छत्तीसगढ़ में जो बजरंग बली का आशीर्वाद है, प्रभु श्रीराम का आशीर्वाद है, वो कांग्रेस को मिलेगा, ये कहते हुए दीपक बैज ने दे रहा। तो साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में भी कर्नाटक की तरह बजरंग बली के नाम की जो सियासत है वो देखने मिलेगी। बिल्कुल, तो बजरंग बली की सियासत एक बार